सिनेमा के महान अभिनेता जिन्हें दुनिया पृथ्वीराज कपूर के नाम से जानती है, आज इस दिग्गज अभिनेता का जन्मदिन है। आज ही के दिन समुद्री अब पाकिस्तान में जन्मे पृथ्वीराज कपूर को लोगों ने ग्रैंडफादर ऑफ बॉलीवुड की उपाधि से भी नवाजा है। हिंदी सिनेमा जगत और रंगमंच की दुनिया का एक ऐसा नाम जिसे पहचान की ज़रूरत नहीं, ऐसा कलाकार जिसके अभिनय ने फिल्मी दुनिया में एक नया युग की शुरुआत की, एक ऐसा अभिनेता जिसने मूक फिल्मों से अपने करियर की शुरुआत की और फिर रंगीन फिल्मों तक का सफर तय किया। युग पुरुष पृथ्वीराज कपूर की आज जन्मतिथि है। पृथ्वीराज कपूर ने पेशावर के एक थिएटर ग्रुप से अपनी एक्टिंग करियर की शुरुआत की। 1928 में वे मुंबई आ गए और मुंबई आकर पृथ्वीराज कपूर ने इम्पीरियल थिएटर ज्वाइन किया। साल 1931 में आई फिल्म आलम आरा में उन्होंने 24 साल की उम्र में ही जवानी से लेकर बुढ़ापे तक की भूमिका निभाई। इसके बाद पूरी 9 मूक फिल्मों में काम करने के बाद पृथ्वीराज देश की पहली बोलती फिल्म आलम आरा में भी सहायक अभिनेता के तौर पर नजर आए। साल 1960 में आई फिल्म मुगले आजम में अकबर का किरदार निभाकर पृथ्वीराज कपूर ने सबके सामने अभिनय की मिसाल पेश की। साल 1944 में पृथ्वीराज कपूर ने पृथ्वी थिएटर की नींव रखी। पृथ्वीराज कपूर की मुगले आजम, हरिश्चंद्र तारामती, सिकंदर आजम, आसमान, महल जैसी कुछ सफल फिल्में प्रदर्शित हुईं। पृथ्वीराज कपूर की अंतिम फिल्मों में राज कपूर की आवारा, कल आज और कल, जिसमें कपूर खानदान की 3 पीढ़ियों ने एक साथ अभिनय किया था। साल 1969 में भारत सरकार ने पृथ्वीराज कपूर को उनके फिल्म इंडस्ट्री में महत्वपूर्ण योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया। साल 1972 में फिल्म इंडस्ट्री के सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के अवार्ड से भी उन्हें नवाजा गया। आजीवन हिंदी सिनेमा और भारतीय रंगमंच की सेवा करने के बाद पृथ्वीराज कपूर ने 65 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया।